ना सुन सुन कर ना थक गई हूँ मैं। यहाँ पे भी किसी और को फाइनल कर दिया गरबा इवेंट के लिए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ वो इवेंट कर लो, पैसे भी अच्छे खासे दे रहे हैं। मैंने अपनी वैल्यू जानती हूँ, तुम कहीं और बात चलाओ। एक तो वो इवेंट बहुत लोकल है, वहाँ का क्राउड भी मुझे नहीं पसंद है। अरे तो सिक्योरिटी होगी ना यार वहाँ पे। आज हमारे देश में औरतों की सुरक्षा को लेकर कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही। आज हमारे साथ है फेमस गरबा सिंगर गहना दवे, जो खुद इस दरिंदगी का शिकार हुई है। तो गहना जी, आप इस बारे में जनता को क्या बताना चाहेंगे? कई दिनों से एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। आज उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने पुलिस में भी उसके बारे में कंप्लेन की थी, पुलिस भी उस दरिंदे को पकड़ नहीं पा रही है। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना, तो मैं खुद को जला लूंगी, क्योंकि एक औरत को खुद से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र होती है। सुन, शक्ल पे और दर्द दिखना चाहिए। माँ लेकिन कैसे? बराबर, रोना बंद नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है पैदा होते ही इसे मार क्यों नहीं दिया। कैसी बातें कर रही है दीप्ति? इतनी प्यारी बच्ची है तेरी, ये प्यार ना सबको नसीब नहीं होता है। और पैसे कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? ध्रुव के सारे पैसे घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। इसकी दवाई के लिए भी ध्रुव पैसे नहीं देते हैं। गहना, तो मैं हूं ना। तो ये पैसे रख, और मैं हूं ना, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं श्रेया को। रख, दोस्त हूं मैं तेरी, इतना तो कर ही सकती हूं मैं तेरे लिए। अरे मेहुल, जरा इसको हेल्प कर देना। ये देखो, ऐसी हालत में भी ऐसे स्कूटी से आई है। अरे कोई बात नहीं। अरे तू चुप कर, धरा पहुंच के कॉल करना मुझे। चल निकलती हूँ, बाय। थैंक यू भैया। कितने पैसे लेके गई है आज? मुझे इग्नोर करने की हिम्मत मत करो। तो ये जो पैसे तुम उड़ा रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं है, मैं भी मेहनत करता हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, ये मेहनत का पार्ट ना मुझे मत पढ़ाओ। कितना, ये औरत तुझसे सिर्फ पैसे लूट रही है। पहले श्रेया के नाम पे पैसे लेती थी, अब तो एक और आ गया, दो दो बहाने मिल गए। कैसी माँ है ये, बच्चों को आगे करती है पैसे के लिए। कम से कम वो माँ तो है ना, मुझे उतना भी नसीब नहीं है। मैं तो तंग आ गई तुमसे और तुम्हारी शराब से। तो चल निकलने आया थी, चल निकल। अपनी बच्ची के बारे में सोचो जरा, आगे जाके उसको पैसों की जरूरत पड़ गई तो कैसे लाओ तू? पाना नहीं आता तो पैदा क्यों किया? जो बोली? हाँ? अम्मा! अरे! क्या कर रहा है ये? शर्म नहीं आती? ए, वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, समझी ना? देख तरन, हाथ नहीं लगाना इसको। बुआ, आप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया,
प्यार जताने की जरूरत नहीं है। मिली मिली मेरी बात तो सुन। कोई जरूरत नहीं है, मना किया था ना यहाँ आने को, जाओ। रिया रिया बस एक बार बात करने थे मुझे उससे। शर्म ना थी तरह किसी और की बेटी से बात करते हुए, चल निकल आती। बात तो चल निकल निकल। भाई ठंडी का मौसम आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गर्मी की मशीन तो हमारे चौल में भी है, हा? बस रेट पूछना बाकी है। ओ, अबे तेरी तो खाना कीड़ों की सफाई करना ना हमें बहुत अच्छे से आता है, अगर यहाँ दिखे ना तो गटर में फेंक देंगे। चल निकल। अबे चलना। रखो, लगेंगे तो और मांग लेना। बस मुंह बंद रखना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, और जाओ यहाँ से। ए, जाने के लिए नहीं आया, समझी ना? ये रख, माँ के इलाज में काम आएंगे। करना है ना माँ का इलाज, नहीं तो हमें बता, हम मार देते। मार दे क्या? मार देते। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कौन थे वो लोग, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो लोग पता पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। चलो गैना, तुम्हारे सारे पेपर्स रेडी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि दूर की सोच आने वाले संकट को पहचान लेती है। अब तो मैंने सोच लिया है, और अरविंद जी यही एक रास्ता है। ओके, तो मैं एफिडेविट तैयार करवा देता हूँ। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। थोड़ी पर्सनल है तो पता नहीं कैसे पूछूं। पूछो ना गैना, कोई बात नहीं, पूछो। गैना गैना, ये तो गहना दवे फेमस गरबा सिंगर है। कंफर्म सर, वही है गहना दवे। मल्टीपल स्टैब वुंड्स है सर। सेक्सुअल असॉल्ट? सर स्ट्रगल के निशान तो नहीं है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो जाएगा। भेज दो पीएम को। जी सर। ये लोग घर पे नहीं है ये? पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गए होंगे। आप कहाँ रहती हैं? मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ। सर, सर क्या हुआ सर? आप लोग, सेक्रेटरी का फोन आया था मेरे पास। तेरी बीवी कहाँ है? सर वो तो काम से बाहर गई है। एक्चुअली मैं भी उसको फोन लगा रहा हूँ, दो तीन बार मैंने फोन लगाया, वो फोन नहीं पिक कर रही सर। कहना 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 गैना की बॉडी हमें जंगल की तरफ मिली, वो वहां क्या करने गई थी कुछ बता सकते हो? नहीं सर। ये रॉबरी का मामला नहीं है, मर्डर का मामला है।
क्योंकि उसके पैसे और पर्स दोनों भी गाड़ी में मिले। लगता है आपसी रंजिश का मामला है। किसी पे शक? सर कार्तिक, कार्तिक हो सकता है। कौन है ये? सर मैनेजर है, वो कल घर पे भी आया था। लेकिन एक बात तो है कि पार्टी बढ़िया थी। हैं? वाह 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 वाह, बढ़िया है। मेरा नुकसान करके तुम लोग मस्त पार्टी करके आ रहे हो ना, शर्म नहीं आती आप लोग को? ए कार्तिक, आराम से तमाशा मत कर यहां। मैं तमाशा कर रहा हूँ, तू मेरे को सिखा मत। पिछली बार ये परफॉर्म करती तो ना मुझे पैसा लौटाना पड़ता, ना मेरा लॉस होता। लॉस? तेरा काय का लॉस हुआ? तेरे पैसे तो लौटा दिए ना। अरे तुमने तुम्हारी फीस लौटा दी, मैंने तो ऑलरेडी बाकी खर्चा किया था, उसका क्या? कार्तिक आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे एक इवेंट मिल चुका है, अच्छा इवेंट है, आप वो कर दो और पिछली बार का जो नुकसान हुआ है इसलिए फ्री में कर दो। ए, दारू भी क्या है क्या, फ्री में कर देते, रिश्तेदार लगते हैं हम। यहाँ गुंडागर्दी मत दिखा समझा, 1 मिलियन फॉलोअर है इसके, अगर एक पोस्ट किया ना पूरा ऑफिस बंद हो जाएगा तेरा। ए, तू धमकी दे रहा है मुझे? ए, समझा रहा हूँ मैं। धमकी दे रहा है? समझा रहा हूँ मैं तुझे। कार्तिक मेहुल, एक मिनट मेहुल, तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ। समझा देना इसे। तुम जाओ। कल ये झगड़ा हुआ और आज ये मर्डर। तुम क्या करते हो? सर मैं गहना का काम संभालता था। इसका मतलब गहना के जाने से तुम भी बेरोजगार हो गए। ये है फेमस गरबा सिंगर गहना दवे का घर, वही गहना दवे जिनकी इवेंट की टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी गहना की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी लाश मट आइलैंड के जंगल एरिया में मिली। इस घटना से पूरी इंडस्ट्री में डर का और दहशत का माहौल। सर सर सर, सर देखिए आपकी कुछ गलत फहमी हुई है सर। वो हमारे बीच में इशू था लेकिन वो पर्सनल नहीं था सर, प्रोफेशनल था। उसके लिए मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये पैसा है ना, अच्छे अच्छे लोगों से बुरी चीजें करवाता है। तूने धमकी दी थी उसको? नहीं धमकी नहीं दी थी सर, मैंने दी थी धमकी सर, दी थी। लेकिन सर उसी दिन वो सब कुछ सॉल्व हो गया था, सेटलमेंट हो गई थी हमारे बीच में। देखो गहना जी, ये जो इवेंट है ना, ये मेरा लास्ट होप है। एक काम कर सकते हैं, मैं इवेंट करूंगी लेकिन फ्री में नहीं, जितना चार्ज करती हूँ उसके आधे पैसों में, ठीक है? हाँ मुझे आप ऑफिशियल मैसेज कर दो। वैसे मैं भेजती हूँ तुम्हें। वो 50% में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। सर गहना के पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसके ऊपर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। डेथ ऑफ रीजन है एक्सेसिव ब्लड लॉस और टाइम ऑफ डेथ है 12 बजे से 1 बजे तक। नो सेक्सुअल असॉल्ट। सर ये गहना के कॉल रिकॉर्ड्स वैसे तो क्लीन है सर, लेकिन जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात 11:40 पर उसे किसी दीप्ति का कॉल आया था और 12:15 किसी तरुण का कॉल, और सर गहना ने अपनी लोकेशन इस तरुण को भेजी थी। तरुण कौन है? गहना ने उसको लोकेशन क्यों भेजी होगी? सर ये वीडियो मिला है गहना के सोशल मीडिया पर। कई दिनों से एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है लेकिन पुलिस भी उस दरिंदे को पकड़ नहीं पा रही है। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं खुद को जला लूंगी। इस वीडियो की वजह से विमेन सेफ्टी के बारे में काफी डिबेट्स हुए थे न्यूज चैनल में। लेकिन हाँ सर एक बात है, इस वीडियो के बाद गहना बड़ी स्टार बन गई थी। कब की वीडियो? 3 साल हो गए सर। इस केस का बाद में क्या हुआ? वो स्टॉकर पकड़ा गया? शायद नहीं सर, मैं चेक करती हूँ। खान ये मेहुल को मिलना होगा। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं खुद को जला लूंगी। सर 3 साल पहले की बात है, मुझे लगा इसका जिक्र करके क्या फायदा, इसलिए नहीं बताया सर। डंडे गिरेंगे ना तो बिना म्यूजिक का गरबा करना शुरू कर देगा सजवल। सर सच ही बता रहा हूँ, 3 साल पहले की बात है। 3-4 बार ऐसा हुआ था, उस वक्त गहना को ज्यादा लोग जानते नहीं थे। पहले तो हमने इग्नोर किया लेकिन फिर बाद में पुलिस कंप्लेन कर दी। क्या हुआ फिर? FIR का अरेस्ट किया किसी को? नहीं सर, पहले तो हमने भी फॉलो अप लिया लेकिन उस वीडियो के बाहर आने के बाद गहना से बदतमीजी बंद हो गई तो उसके बाद हमने फॉलो अप लेना बंद कर दिया। कौन सा पुलिस स्टेशन? MG रोड। और ये दीप्ति कौन है? दीप्ति गहना की दोस्त है सर। ये गहना को आखिरी कॉल दीप्ति ने किया था, क्या काम हो सकता है? सर दीप्ति को गहना से सिर्फ एक ही काम होता था, पैसा। वो जब चाहे गहना से पैसे ऐंठती रहती थी। कितने? सर इतना तो पता नहीं पर 5-6 लाख ले लिया होंगे। ऐसा तो नहीं इस पैसे की वजह उसका मर्डर हो गया? ये तरुण गहना का बड़ा भाई है ना, गहना ने तरुण को आखिरी बार कॉल किया था, उसको लोकेशन भी शेयर किया था क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हुई थी। सर तरुण क्या हुआ? ए मधु कितना चलोगी? अरे तुम्हें ऐसा चलते हुए देखकर हमारे पैर दर्द होने लगे यार। आजा बैठो अंदर। मैं चली जाऊंगी। अरे पता है ना तुझे हम क्या कर सकते? पता है कि नहीं? बैठ।
हीरे। सर गहना और तरुण के पापा जयेश दोषी डायमंड मर्चेंट थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी कमाई डायमंड्स में कन्वर्ट कर दी। कितनी थी उनकी कमाई? 4 करोड़। और वो सारे डायमंड्स उन्होंने गहना के नाम कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा सारे पैसे बर्बाद कर देगा। और हुआ भी यही सर, उनके मरने के बाद उसने उनका सारा पैसा उड़ा दिया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो गहना से लड़ने लगा उन डायमंड्स के लिए। मारा पण पप्पा था और वो डायमंड्स पे मेरा भी हक है, समझी? बिजनेस तुम्हारा, डायमंड्स मेरे, यही था विल में। फिर भी मैं ना तुझे आधा हिस्सा देने के लिए रेडी हूँ, पर वो पैसा मिली के फ्यूचर पे खर्च होगा। ए, तू अपनी चिंता कर, मेरी बेटी की चिंता मत कर, समझी? तरुण, मैं जो बोल रही हूँ वो मिली के फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ। खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और मुझे समझा रही है कि मेरी बेटी को कैसे। 1 मिनट, मेरी बेटी से दूर रहना, नहीं तो मारी ना किस्तन है। सर वो गहना की बहुत बेइज्जती करता। सर सिर्फ तरुण ही ऐसा आदमी है जिसे पता था कि गहने इस घर में। एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है खान। अगर तरुण को डायमंड नहीं देने थे तो फिर उसने लोकेशन क्यों शेयर किया? सर मिली के लिए, गहना मिली से अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। सर मिली के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। हीरे तो बहुत कम बात है। मैं जानता हूँ तरुण नहीं मानेगा, वो मिली को हमें कभी गोद नहीं देगा। अरे तरुण को डायमंड्स चाहिए, हम उसे सारे हीरे दे देते हैं ना। देखो गहना, मैं जानता हूँ कि तुम मिली को बहुत प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उससे थोड़ा ज्यादा प्यार खुद से करना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाते हैं। डायमंड उसे दे दोगी तो तुम क्या करोगी? मिली मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा ना। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, तुम मेरे लिए ज्यादा शोज लेकर आना। चुप, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी, डायमंड उसे नहीं दोगी। सर उन्हीं हीरो के लिए मार दिया होगा तरुण ने। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको डायमंड मिल गए थे तो क्यों मारा होगा? हो सकता है कि वो मिली से भी प्यार करता हो। और सर यही तो उसका प्लान होगा कि मिली के बहाने पहले हीरे निकलवा लो फिर उसको मार दो। क्या ऐसा तो नहीं कि तेरे मना करने के बावजूद भी वो तरुण को डायमंड देने गई थी, इसलिए तूने गुस्से में आके उसको मार दिया? सर बीवी थी वो मेरी, जिसके पैसों पर तू पलता था, है ना? सर तरुण की लोकेशन उस दिन मढ़ में ही थी। तरुण मिले क्या? सर गहना को कॉल क्यों किया था? मजबूरी में किया था मैडम। अब मेरे पति का काम सही से नहीं चल रहा है तो हमें पैसे की सख्त जरूरत थी। हमेशा से गहना ने ही हमें हेल्प की है। तो आप और ध्रुव दोनों गए थे मढ़ में पैसे लेने के लिए? नहीं सर, ऐसी हालत में मैं मढ़ कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप गए थे? नहीं मैडम, एक्चुअली उसने कहा तो वो बाद में भेजेगी पैसे, उसका नेट का कुछ प्रॉब्लम था। हमने बाद में कॉल किया था लेकिन तब उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में था। देखिए आपके घर के बाहर का जो CCTV है उसमें आप दोनों बाहर निकलते दिख रहे हैं। वो हम डॉक्टर के पास गए थे मैडम। सर मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे क्यों मारूंगा? और मेरे पास उसे मारने के लिए कोई रीजन भी नहीं था। वो मिली को अडॉप्ट करना चाहती थी और उस बात के लिए मैं रेडी था। और अडॉप्शन के बदले में मैंने उससे डायमंड मांगे थे और वो मुझे देने के लिए तैयार भी हो गई थी। सर गहना ने लोकेशन शेयर किया था ना तेरे को, किस लिए? उसकी गाड़ी खराब हो गई थी सर, इसीलिए उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं जब वहां पे गया तब ऑलरेडी वो मर चुकी थी। मेरी हालत बहुत खराब थी सर, अगर मैं वो हीरे नहीं लेता तो शायद मेरा घर चला जाता और जिन लोगों से मैंने उधार लिया है वो सब मुझे मार देते सर। तो असल में बात ये है कि तेरी हालत खराब होने वाली थी, तुझे डायमंड चाहिए थे, इसलिए तूने गहना को मार दिया, है ना? नहीं सर, मुझे तो डायमंड से मतलब था और वो तो वैसे भी मुझे देने वाली थी और वैसे भी मेरा मिली के साथ कोई खास लगाव था नहीं, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? सर वो मेहुल को जाके पकड़ो।
एक नंबर का कमीना है वो। पैसों के लिए वो अपनी माँ तक को बेच दे। जो इंसान अपनी बीवी पर अटैक करवा सकता है, उसको इतना जलील कर सकता है, वो इंसान 4 करोड़ के लिए कोई भी हद तक जा सकता है सर। अटैक? हाँ, जलील। हाँ, ये क्या चक्कर है सर? वो स्टॉकर वाला वीडियो तो आपने देखा ही था, वो लिफ्ट में वो लड़का है। मालूम है सब, आगे बोल। हाँ तो सर, वो मेहुल ने ही प्लान किया था। क्या? हाँ, और वो बात गहना को पता चल गई थी, इसलिए 2 महीना वो मेरे घर रहने आई थी। हमेशा मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी तुमने, ये रक्षा कर रहे हो तो? मुझे छेड़ने के लिए लड़के भेजे थे, आज है तारो प्रेम। लेकिन गहना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ना, तुम्हारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। अब देखो ना, वीडियो बाहर आने से पहले तुम्हें कौन जानता था, और अब देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है ना। निकल जाओ मेहुल यहाँ से, इसके पहले ना मैं कुछ गलत कर लूँ, प्लीज निकल जाओ। गहना मेरी बात निकलो। सर, गहना ने मेहुल को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन गहना तो उसके साथ रह रही थी ना। डायमंड्स के लिए, डायमंड्स के लिए, इसलिए फिर बाद में मेहुल ने उसको मार दिया। तो मेहुल ने उसको मार दिया और डायमंड रख दिए तेरे लिए? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ वहाँ से हीरे लिए और फिर वहाँ से मैं निकल गया। तो अभी हीरे कहाँ है? चोरी की हुई चीज कभी रास नहीं आती, इनडायरेक्टली तुम भी इस चोरी में शामिल हो, ये याद रखना। अम्मा, हम आपकी बेटी है ना, आप हीरो के लिए हमें बेच रही थी। सो बात कर इच्छे मिली, मेरी भलाई के लिए कर रहे थे हम। आप बुआ के सारे पैसे लेके मेरा भला कैसे कर लेती? आप मुझे एक बात सच सच बता दो, कई बुआ के मर्डर में आपका और बापूजी का कोई हाथ तो नहीं है ना? अब इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप भी हमारी माँ जैसी है ना? हाँ, आप इलाज का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम है ना सब ठीक कर देंगे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा तू इनका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए पैसे देने खुद चले आए। माँ, आप इन दोनों के लिए चाय बना देंगी? हाँ, बैठो आप। जी जी जी, बैठे बैठे, आराम से बनाइए। क्या जरूरत थी आने की? तुम फोन उठा लेती तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। फोन बंद है क्या तुम्हारा? क्या काम है? वो जो ऑडिशन दिया था तुमने, याद है? वो सिलेक्ट हो गया, एक बड़े सेठ के पास जाना है तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो? सुनना, सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। अरे क्या अलग करना है, वही तो करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। 1 लाख मिलेंगे तुझे, 1 लाख। बख्श दो तुम्हें, आज झूठ थे तुम लोगों के। एड्रेस भेज देंगे, पहुंच जाना। सर, आजकल झूठी कंट्रोवर्सी कौन नहीं करता सर, तो मैंने भी की और सर वो काम कर गई, गहना को काम मिलने लगा था, तो सर फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? तूने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो डायमंड उसके पास थी और तुझे पता था पैसा कमाने का जरिया सिर्फ गहना है, लेकिन वो मिली उसके पीछे पागल थी, तुझे दिख रहा था तू भिखारी बनेगा, कंगाल बनेगा, इसलिए तूने उसको मारा। अगर मैं डायमंड के लिए उसे मारता तो डायमंड कार में छोड़ के क्यों जाता? मैं उसको लेके जाता ना सर। सर वो मेरी बीवी थी, मैंने उसे नहीं मारा। तुझे जिसको स्टॉक करने के लिए पैसे दे उसके डिटेल दे। सर ये मेहुल जो बोल रहा है मुझे सच लग रहा है, क्योंकि अगर उसने खून किया होता तो 4 CR के हीरे गाड़ी में छोड़ के नहीं जाता। सर जिसने भी ये खून किया है उसे इन हीरो के बारे में पक्का नहीं पता। सर या तो ये पर्सनल दुश्मनी हो सकती है या फिर प्यार का एक तरफी मामला। लेकिन कॉल डिटेल्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो ना हो इन सस्पेक्ट में से कोई ना कोई खूनी है, क्योंकि हर एक के पास खून करने का मोटिव। ये दीप्ति की अलग है चेक की? जी सर, वो डॉक्टर मेहता के क्लिनिक पर ही थी, अपना प्रेगनेंसी का रेगुलर चेकअप करने गई थी। और उसका पति? वो भी उसके साथ ही था सर। मर्डर की सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है ना? हाँ सर दिख रहे, साफ साफ दिख रहे सर, लेकिन अभी तक कुछ सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं सर। चल, 11:40 को गहना की कार यहाँ से गुजरी सर, और जब गहना ने दीप्ति का कॉल रिसीव किया तब उसकी लोकेशन कांदीवली में थी, उसके बाद उसे तरुण का कॉल आया और फिर वो वहां से निकली। मर्डर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हुआ ना?
मुझे पक्का लग रहा है कि गायना किसी से तो मिलने गई थी। ये तरुण, उसके कॉल के बाद वो वहां से निकली। सर ये तरुण ही है, क्योंकि गायना ने लोकेशन तरुण को भेजी थी। सर, मिस्टर अरविंद जी, ये गायना दवे मर्डर केस तो आप जानते होंगे। गायना के CDR में आपका नंबर मिला। अब आपको तो पता है कितना हाई प्रोफाइल केस हुआ है। उसका अगर विल हमें मिल जाता तो कुछ नीड मिलती हमें। सर विल तो उनकी एकदम नॉर्मल थी, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गहना मिली के एडॉप्शन पेपर तैयार करवा रही थी, और अकॉर्डिंग टू द पेपर्स मिली गहना की लीगल बेटी होती, और गहना के मरने के बाद गहना की सारी प्रॉपर्टी मिली के नाम हो जाती। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन गहना का मर्डर हुआ, उस दिन एक बड़ी अजीब सी बात पूछी उसने मुझसे। क्या? अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ हो और वो एक महीने बाद कंप्लेन करना चाहे तो क्या कानून उसकी मदद कर सकता है? क्यों नहीं, इसके लिए कानून में है नियम। लेकिन रेप किसका हुआ है? किसी का नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। गहना, गहना। सर मुझे उन दोनों पे शक है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा। रेप किसका हुआ था? पता नहीं सर। सर गहना के पोस्टमार्टम में तो रेप मेंशन नहीं है, लेकिन अर्शद 40 दिन पुरानी बात है, ये हम रिपोर्ट में कैसे आएगा? सर वो दोनों आदमी गहना का इंतजार कर रहे थे और दोनों उसके पीछे भी गए। मुझे लगता है कि उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा। उनको पहचान सकते हो? सर जो बाइक चला रहा था उसने तो हेलमेट लगाया हुआ था, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन जो पीछे बैठा था उसका मैं चेहरा पहचान सकता हूँ। ये पक्का? यही दोनों? हाँ यस सर। ठीक है वकील साहब, थैंक यू, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। जरूर। इसमें गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको लैब में भेज दो फिर से, और मर्ड एरिया में जितने भी CCTV है सारे फुटेज कलेक्ट करो। देखो किसे में गाड़ी का नंबर क्लियर दिखता है, और ये मेहुल और गहना इनके CDR फिर से चेक करो। ओके सर। मधु, तूने बताया नहीं कि गहना मैडम का मर्डर हो गया? इसमें बताने वाली बात क्या है अम्मा, जो आया है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। छोड़ो ना अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को है? ठीक है। जानते हो इन दोनों को? नहीं सर, कौन है ये लोग? जिस दिन गहना का मर्डर हुआ उस दिन इसका पीछा कर रहे थे। एक सवाल पूछूं, गहना का रेप हुआ था? सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखो हम कुछ कहानी नहीं बना रहे, गहना के वकील ने कहा है वो उसके पास मदद मांगने के लिए गई थी, एक महीने पहले रेप हुआ था। या तो तुम कुछ छुपा रहे हो, या तो तुम ये पता नहीं कि तुम्हारे बीवी के साथ क्या हुआ, या बात कुछ और है। सर आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये जो वकील बोल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मधु, मधु खाना बन गया बेटा, आ जा। मधु, 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 मधु। ये मोबाइल इस लड़की का है, ये देखिए सर लास्ट मैसेज, होटल लवली रूम नंबर 401, टाइम रात को 9 बजे। सर मुझे ब्लैकमेलिंग का मामला लग रहा है,
ये देखिए, किसी भी मैसेज को उसने रिप्लाई नहीं दिया, और मैसेज देखिए तो होटल का नाम है और रूम नंबर। मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग या हैरेसमेंट का केस है। तो माँ कहाँ है? सर, मधु बहुत दिनों से बहुत परेशान से रहते थे, जॉब पे भी जाना बंद करते थे। क्यों? पता नहीं सर, गहना मैडम के साथ उसकी कुछ अनबन हो गई थी। कौन मैडम? गहना दवे। मधु उनके यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट थे सर। गहना दवे? सर, मुझे लगता है दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम कब छोड़ा था उसने? सर, एक महीने पहले छोड़ा था, और उसके बाद गहना मैडम भी घर पर मिलने आए थे उससे। मैडम, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। पहले ही आपकी वजह से बहुत कुछ हो चुका है, अब अगर मैंने आपकी बात मानी ना तो मेरी अम्मा मर जाएगी, और मैं अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने मधु से कई बार पूछा था कि गहना मैडम के साथ क्या हुआ, पर सर उसने कभी कुछ नहीं बताया मुझे। एक महीने पहले काम छोड़ा, क्यों? पता नहीं सर, वो गहना मैडम के साथ एक गर्मा इवेंट में गई थी, उसके बाद उनके साथ कभी नहीं गई सर। कहाँ था इवेंट? सर वो तो मुझे नहीं मालूम। सर वो एक डायरी में लिखती थी, शायद उसमें सब लिखा होगा। ये मधु की डायरी। 39 दिन पहले जो इवेंट हुआ उसकी बात है, ये पारस से बात करनी होगी। सर, सर एक बात और, कुछ दिन पहले सर दो आदमी घर पर आए थे मधु को पैसे देने के लिए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, तू इनका फोन नहीं उठा रही थी इसलिए पैसे देने खुद चले आए। अगर जॉब नहीं करती मधु तो पैसा किस बात का? सर वो मुझे नहीं पता। हाँ सर, गहना ने हमारी कंपनी के लिए ही परफॉर्म किया था, काफी अच्छा शो रहा था वो। मधु नाम की लड़की थी वह? हाँ थी ना सर, गहना के साथ ही थी, मेकअप आर्टिस्ट। एक्चुअली शो खत्म होने वाला ही था कि गहना को अचानक चक्कर आ गए, तो वो आधा घंटा पहले ही चली गई थी, और वो मुझसे मिल भी नहीं पाई थी। क्या कहीं सीसीटीवी नहीं दिख रहा है? सर यहाँ पर और मेकअप रूम में नहीं है, पर कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा। फुटेज दिखाओ। सर ये कॉरिडोर का। ये दोनों कौन है? सर ये दोनों तो गहना और मेहुल के साथ ही आए थे। क्या हुआ सर? बोला क्या मुझे? बोला नहीं सर, नहीं बोला। फाइल दे, ये देखिए नंबर, जिस नंबर से तुम मधु को SMS करते थे। ये नंबर तेरे नाम पे रजिस्टर है चिकने, समझा गया? इतना ही नहीं, इवेंट की जगह पे जो रूम थी जहाँ पे मधु थी उसके रूम में तुम गए थे, और तुम बाहर आए उसके बाद में मधु जिस हालत में बाहर आए ना, वो भी CCTV फुटेज है हमारे पास। ये देख वीडियो, ये रहा तुम्हारे घर के लैपटॉप में मिला हुआ फुटेज। तुमने रेप किया है ना? बोल, देखो तुम शांति से बताओ नहीं तो हम अशांति पे उतर आएंगे। हमारी पहले से ही मधु पर नजर थी सर, और मधु को देखा तो हम लोग बाहर आ गए थे। मेहुल जब गहना को लेकर चला गया तब हम उसके रूम में घुसे, वो अपना सारा सामान समेटने में बिजी थी सर। हेलो बेब्स। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। रूमा
ये ले देख वीडियो, सही है ना? क्या सही बना ना वीडियो? और ज्यादा चू चपड़ किया तो यही वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे और तेरी माँ को भी दिखा देंगे। अरे बदनामी के डर से तेरी माँ मर जाएगी रे। और मुंह बंद रखा तो पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा और तेरी माँ का इलाज भी होगा। सर वो चुप रही और हम उसे अपना काम करवाते रहे। हम उसे बड़े बड़े लोगों के पास एक रात के लिए भेजते थे। एक बात बताओ, ये मेहुल के अकाउंट में तुम आजकल हर दो दिन में पैसे डाल रहे हो, वो भी शामिल है क्या इसमें? ये सारा प्लान मेहुल का था। बट ये देख पहचानता है? देख हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है, तू सच बोल। अगर तू सच नहीं घेरे, तू सच नहीं बोलेगा ना, ये कहां से डालूंगा और कहां से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। बोल बोल सच बोल। बताता हूँ सर, वो गहना अपने सारे पैसे उड़ा रही थी, वो सारे डायमंड्स उस तरुण को देने वाली थी। सर मैं भी तो अपने बारे में कुछ सोचता ना, इसलिए उस दिन जब मैं इवेंट में वापस गया पैसे लेने के लिए, मुझे ये दोनों मिले। क्या है ये भाई? तू होता ना तू भी इस बहती गंगा में हाथ धोलेगा। मजा आ गया यार, अब जब मन करेगा ना तब बुलाएंगे इसे। देख ये सब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक प्लान है मेरे पास। अगर तुम दोनों ने मान लिया ना तो तुम दोनों मजे भी करोगे और पैसे भी आएंगे। क्या प्लान है? मैंने इन्हें मधु को प्रोस्टिट्यूशन में ले जाने का आइडिया दिया था, तब थोड़े पैसे आने लगे और ये दोनों भी मजे ले लेते थे। मधु ने काम पे आना बंद कर दिया तो घैना उससे मिलने उसके घर चली गई। मधु तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? रेप हुआ है मेरा उस इवेंट में, कपिल और मिलिंद ने मिलकर किया। क्या? लेकिन लेकिन तुमने मुझे ये सब? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो अभी के अभी, सबको जाके सब कुछ बता देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे बारे में नहीं सोचना, मुझे मेरी माँ के बारे में भी सोचना है। लेकिन मधु ऐसे चुप रह के भी तो कोई फायदा नहीं है ना, चुप मत बैठो, हम इंसाफ करेंगे। जिंदा रहेंगे तो इंसाफ होगा ना? आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। सर मधु मेरे बारे में जानती नहीं थी और गहना को भी सिर्फ यही दो मुजरिम लगते थे, और ये बात गहना ने मुझे बताई भी थी। सर मेहुल हमें मधु की मदद करनी पड़ेगी, मेरे लिए काम करते वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ है। कर लेंगे गहना, कर लेंगे, लेकिन तुमने कहा ना कि मधु सामने आने से डर रही है, है? और उसकी स्टेटमेंट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। शायद उसे उन लोगों की ताकत का अंदाजा हो इसीलिए चुप है। है ना, लाइफ में ना कई बार हमें सेल्फिश बनना पड़ता है। पैसे के लिए तूने एक लड़की को पैसा बना दिया, कहना मधु के लिए लड़ना चाहती थी, तूने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि गहना को तेरे रंग रूप के बारे में पता चल गया इसीलिए मार दिया? नहीं सर, नहीं सर, गहना को मैंने नहीं मारा सर, मैंने जो भी किया था मैंने कबूल कर लिया सर, गहना को मैंने नहीं मारा। सर ये किस गहना से शुरू होकर मधु पे आके रुका? मधु की सुसाइड की वजह तो पता चली, लेकिन एक गहना का मर्डर केस, इसके रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं। सर, सर वो बाइक का एड्रेस मिल गया, गोरेगांव ईस्ट निर्मल पार्क। जी कहिए। इसे पहचानते? हाँ सर, मैं तो इन दोनों को जानता हूँ, ये दोनों तो मेरे कजन भाई के बेटे हैं, पंजाब में रहते हैं, कुछ दिन पहले मुंबई आए थे और मेरी बाइक लेके घूम रहे थे। अब कहाँ मिलेंगे? पंजाब में। देख मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है,
एक झटके में बता दे सुपारी किसने दी थी? गहना श्रेया को लेकर काफी इमोशनल थी, उसके अपने खुद के बच्चे नहीं थे ना, तो वो श्रेया से बहुत प्यार करती थी। मगर मुझे आने वाले बच्चे के लिए पैसे जमा करने थे सर, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल करती थी। तो ये पैसे रख, और मैं हूं ना, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं श्रेया को। 8 लाख रुपए ले चुकी थी मैं उससे, मुझे और पैसों की जरूरत थी सर। फिर मैं गहना के घर गई, तब वो नहाने जा चुकी थी। मैंने सोचा यही एक मौका है। किसी के लिए कितना भी कर लो ना, कम पड़ जाता है। तूने जब जब पैसे मांगे मैंने तब तक तुझे पैसे दिए, और तू चोरी कर रही है। मेहुल सही कहता था, तूने मुझसे दोस्ती से पैसों के लिए की है ना? गलत समझ रही है तू गहना, वो डॉक्टर के कम पड़ गए। और झूठ नहीं सुनना है मुझे। मैंने जितने पैसे तुझे दिए ना, वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए। 1 महीना है तेरे पास, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो तू देख मैं क्या करती हूँ। 1 महीने में 8 लाख कहाँ से लाती सर? मैं पैसे सारे खत्म हो चुके थे, और वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी। हमने सोचा कि सोने की मुर्गी से जितने सोने के अंडे मिलने थे वो तो मिल चुके हैं, अब उसे खत्म करना ही बेहतर है। हाँ सर, इसलिए हमने इन दोनों को सुपारी दी। हमने गहना को बेवकूफ बना के जो पैसे लिए थे, उसी पैसे से हमने उसकी सुपारी दे डाली। हमने गहना को मरवा दिया। हमें लगा कि इनको पंजाब से अगर बुला लेंगे और काम खत्म होने के बाद वापस भेज देंगे तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको इनके रिलेटिव्स के यहाँ रुकने को कहा, ताकि किसी को मालूम ना पड़े। और फिर हम लोगों ने आगे की प्लानिंग की। उस दिन पैसे देने के बहाने मैंने गहना को मड आइलैंड के सुनसान रास्ते पर बुलाया था सर, और प्रूफ के लिए हम उसी वक्त डॉक्टर के पास चले गए और इन दोनों को गहना के पीछे लगा दिया। गाड़ी क्यों बंद हो गई? तरुण, मेरी ना गाड़ी बंद हो गई है, मैं ना तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज मुझे आके पिक कर ले। पता नहीं था कार में 4 करोड़ की हीरे? नहीं सर, नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। शर्म आती है औरत का ये रूप देखकर, तेरी बेटी से माँ की तरह प्यार करती थी वो, और तेरे आने वाले बच्चे के लिए तेरी मदद कर रही थी, और तूने उसी को मार डाला। श्रेया और तेरे आने वाले बच्चे को तुझे इस सब का जवाब देना होगा। सर मुझे तो लोगों की मेंटेलिटी आजकल समझ नहीं आती। ये गहना, इसने दीप्ति की इतनी मदद की और आखिर में उसने ही गहना को मरवा दिया। कहना इंसान की जरूरतें खत्म हो जाती है, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होती। सही कहा सर, ये गहना जैसे अच्छे लोग भावनाओं में बह जाते हैं, और ये दीप्ति और मेहुल जैसे शातिर लोग इन अच्छे लोगों से अपना मतलब निकाल लेते हैं। इसीलिए जिंदगी में जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अगर भरोसा रखना है तो आंखें और कान खुली रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर अस्तिन का साहब कौन है पहचानने में आसानी हो। यस सर।